Hello, babiness. Here we are on the radio swag.in, the super new web radio, radio swag. Suno to kuch hatke. स्वागत करती हूँ मैं आपकी नई और दोस्त आरजे पूनम। बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी आपसे मिलने के लिए एंड ये इंतजार फाइनली खत्म हुआ। तो इस नए साल की नई शुरुआत आप सभी को बहुत मुबारक। आप सब शायद सोच ही रहे होंगे ये हमेशा बेबीनेस क्या कह देती हूँ मैं। वेल, सोचना तो बनता है बॉस, cuz being on a weird vibe with me RJ Punam and I'm damn sure that you're gonna be used to it। तो ये जानना तो जरूरी नहीं है कि इसका मतलब क्या है, पर ये जरूर कहना चाहूंगी कि कुछ चीजों को कोई मतलब नहीं होता, बस प्यार से कह दिया है, अब एक्सेप्ट कर ही लीजिए। अब करते हैं कुछ काम की बातें। हे वेट, डोंट गेट पैनिक यार। मुझे पता है कि काम से थक के कुछ लोग अपने घर जा रहे होंगे, कुछ लोग शायद नाइट शिफ्ट पे काम कर रहे होंगे, पर मैं तो उनके बारे में बात करना चाहती हूँ जो शायद अभी मुझे सुन रहे होंगे या अकेले में बैठ के आहें भर रहे होंगे। हाँ, थॉट है यार, ये तो कहीं भी आ सकते हैं एंड इट कैन बी एनीथिंग। एंड बीइंग अ नाइट पर्सन आई कम टू नो दैट पीपल लिव देयर लाइफ वेरी सीक्रेटिवली। व्हाई टू बी अ सीक्रेट पर्सन व्हेन आई एम आरजे पूनम इज सुपर एक्साइटेड टू बी विथ यू गाइज। लेकर आई हूँ अपने वियर्ड वाइब्स। टिल देन यू स्टिक विद मी आफ्टर दिस सॉन्ग्स 1, 2, 3।
Radio Swag. Oh,
रास्ते में गम मिल गया था, लग के गले में रो दिया, जो सिर्फ मेरा था सिर्फ मेरा, मैंने उसे क्यों खो दिया। हाँ वो आँखें जिन्हें मैं चूमता था बेवजह, प्यार मेरे लिए क्यों उनमें बाकी ना रहा। हो हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हो हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। दिल को जो सताए ऐसी कमी है तू, मैं भी न जानूं ये कितना क्यों लाजमी है तू। नींद जाके न लौटी, कितनी रातें ढल गई, इतने तारे गिने के उंगलियां भी जल गई। हो हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हो हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। किसी को हम अपनी शाम में हिस्सा, फिर किसी को ना दिया। इश्क तेरे बिना भी मैंने तुझसे ही किया। हो हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। ओ फासले ना दे कि मैं हूँ आसरे तेरे, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। तेरे बिना सीने में जो धड़कने हैं, तेरे नाम पे चले हैं, कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना। हम नवा मेरे, तू है तो मेरी सांसें चले, बता दे कैसे मैं जीऊंगा तेरे बिना।
इंतज़ार, मुलाकात और आपका साथ से मुझे याद आया प्यार। बड़ी ही अमेजिंग फीलिंग होती है। आई वोंट बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू, बट देर आर मेनी एक्सप्रेशंस दैट पीपल यूजुअली यूज टू एक्सप्रेस टू देयर लव्ड वंस। आपकी भी ऐसी ही यादें होंगी, पता है मुझे। और यादों से याद आया कि कुछ यादें फिर से ताजा क्यों ना कर ली जाए। सो डोंट गो विद द फ्लो, कॉज यू आर विद मी सुपर वियर्डो आरजे पूनम। तो आप किस बात का करना वेट, सुनते हैं गाने 4 to 8। पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊँ ना। पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊँ ना। मिल के जुदा होना पाएगा दिल, दिल को मैं समझ पाऊँ ना। ख्वाहिश है इतनी सी यार, देर तक रुकना अब की बात। प्यार के लम्हे हो हजार, उन्हीं में सदियां जी लूंगा मैं। ओ, ओ, ओ पल कैसा पल, पल में जाए फिसल, चाके भी पकड़ पाऊं ना। समझ पाऊँ ना।
पाऊँ ना, समझ पाऊँ ना। टूटता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ तेरे दिल की गलियों से, मैं हर रोज गुजरती हूँ। हवा के जैसे चलता है तू, मैं रेत जैसी उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे मैं करती हूँ। किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का
ही किसी के लिए कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। तू हम सफर है फिर क्या फिकर है, जीने की वजह यही है मरना इसी के लिए, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए, किसी न किसी को है बनाया हर किसी के लिए। Here we are on the new web radio, Radio Swag. सुनो तो कुछ हटके। बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी मैं आप सबसे मिलने के लिए, आपकी वियर्ड दोस्त आरजे पूनम, और ये इंतजार फाइनली खत्म हुआ। इस नए साल की नई शुरुआत आपको बहुत मुबारक। आप सब शायद सोच ही रहे होंगे ये बेबीनेस क्या कह देती हूँ मैं हमेशा। Well, सोचना तो बनता है बॉस, cause being on a weird vibe with me, RJ Poonam, and I'm damn sure that you're gonna be used to it. ऐसी ही बहुत खूबसूरत बातें हम करने वाले हैं आज। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खूबसूरत environment कितना अच्छा होता है। Ministry of Housing and Urban Affairs, India and GIZ Germany are collaborating to organize an Urban Mobility India Conference जो इस 2nd, 3rd और 4th of November 2018 में होने वाला है अपने नागपुर शहर में। इस मूवमेंट को लोगों तक पहुंचाने के लिए नागपुर का बहुत ही अमेजिंग, ब्यूटीफुल एंड एनर्जेटिक यूथफुल कॉलेज यानी हिसलॉप कॉलेज सिलेक्ट हुआ है, जो ग्रीन अर्बन मोबिलिटी को सपोर्ट एंड लोगों तक पहुंचाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसमें टॉक शोज एंड कल्चरल एक्टिविटीज होने वाली है। टिल देन यू स्टिक विद मी आफ्टर दिस सॉन्ग 1, 2, 3।
इंतज़ार, मुलाकात और आपका साथ। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है ये प्यार। आपकी भी ऐसी मीठी यादें होंगी, आई न्यू इट। और इसी प्यारी वाली फीलिंग को एक इंसान को बरकरार रखने के लिए हमें हमारा एनवायरमेंट कितना साफ और सुंदर होना चाहिए ये बताने आ रहे हैं हिसलप के यूथ एक प्ले के थ्रू, जिसका नाम है रंगीला स्लम। स्क्रिप्टेड बाय तेजस राउत, निशांत एंड अमोल सौद्या, आमिर सईद। डायरेक्टेड बाय तेजस राउत एंड प्लेड बाय तेजस, निशांत एंड स्टूडेंट बाय हिसलप कॉलेज। लगता है कल की ही बात है। उफ, अब इस गाड़ी को क्या हो गया? दीदी आप यहाँ? हाँ बच्चे, तुम मुझे जानते हो? हाँ दीदी, आप तो वही हो ना जिन्होंने पिछले साल दिवाली में हमारे बस्ती वालों के लिए तोहफे लाए थे। ओह, तुम उस बस्ती के हो? हाँ दीदी, आप बहुत परेशान लग रही हो। हाँ, मेरी गाड़ी बंद पड़ गई है, यहाँ कोई मदद मिल सकती है? नहीं दीदी, इतने सुबह तो कोई गैराज भी नहीं खुला होगा। ओफो, अच्छा सुनो, यहाँ कोई दुकान भी नहीं नजर आ रही, बहुत प्यास लगी है, कहीं पानी मिल सकता है? बस सामने ही वाली बस्ती में मेरा घर है, माँ और दीदी भी है घर पे, आप वहीं कुछ देर बैठ जाना, पानी भी पी लेना। अच्छा ठीक है, कुछ वक्त सोचा और फिर चल पड़ी। जैसे जैसे मैं गली पार करते गई, मेरे सामने बस एक ही सवाल आता रहा, क्या सचमुच मैं इस जगह पर वक्त गुजार सकती थी? मेरे लिए मुश्किल था, नजरों के सामने बस गंदगी, कूड़ा और कचरा ही नजर आया। टीन के घर थे, ना बिजली का कोई अता पता था, वो शोर बेचैन करने वाला था, हर जगह परेशानियों का ही मंजर था। हिम्मत तो थी इन लोगों में जीने की, बस रोज गरीबी से लड़ना, रोज उठना, मेहनत करना और जितना मिले उसी में खुशियां ढूंढना। उतने में ही पास से एक दर्द भरी आवाज आई, मैंने पूछा, ये कैसी आवाज थी? पास में ही कोई बीमार पड़ा है और बस्ती वालों के पास कहाँ इतना पैसा जो उसे अस्पताल ले जा सके। अरे पर ये अगर इतनी गंदगी होगी आसपास तो बीमार तो पड़ोगे ही ना। क्या दीदी, अब इतनी गंदगी मैं अकेले साफ करूंगा क्या? अच्छा सुनो, यहाँ टॉयलेट कहाँ है? बस पास ही में एक झोपड़ी है, उसके आगे एक बड़ा मैदान है, हम सब तो वहीं जाते हैं। मैदान? कोई बात नहीं, मैं यही ठीक हूँ, पर शौचालय क्यों नहीं? आजकल तो सरकार भी मुफ्त में मदद करती है शौचालय बांधने के लिए। अच्छा छोड़ो, तुम क्या करते हो? जो काम मिल जाए वही सही, फिलहाल तो मजदूरी से ही पेट भर लिया जाता है। मजदूरी? क्या सच? पर तुम तो इतने छोटे हो। अच्छा छोड़ो, मुझे अपनी बस्ती ही दिखा दो। यहाँ देखो दीदी, कितनी गंदगी है, अकेले कैसे साफ करूंगा? शुरुआत तो अकेले को ही करनी होती है। पर ये सब कैसे साफ होगा? अच्छा देखो, गीला कचरा और सूखा कचरा, इसे अलग करो। प्लास्टिक और कांच के कचरे को कबाड़ी वाले को बेच दो। और गीला कचरा, उसका कुछ नहीं कर सकते हम? क्यों नहीं कर सकते? तुम गीले कचरे को, यानी किचन की बची हुई सब्जियां, चाय पत्ती, हरी घास और कचरा, या फिर जैविक चीजें जैसे गाय का गोबर या दूसरे जानवरों का मल, इसका इस्तेमाल करके खाद बना सकते हो और फिर उस खाद को बेच सकते हो। जैसे जैसे तुम्हारा उत्पादन बढ़ता जाएगा, तुम्हारी आर्थिक स्थिति भी सुधरती जाएगी। वाह दीदी, आप तो बड़े काम की चीजें बताती हो, क्या इन सब चीजों से मैं भी कमा सकता हूँ और अपनी बस्ती को सुंदर एवं स्वस्थ बना सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर, मेहनत करो तो तुम्हारी बस्ती भी स्वस्थ, साफ और सुंदर बन जाएगी। हाँ दीदी, हाँ मैं भी साफ, स्वस्थ और सुंदर बस्ती बनाऊंगा और मेहनत करूंगा, ये सब बस्ती के बाकी लोगों को भी समझाऊंगा। लो दीदी, आपकी गाड़ी भी आ गई। गाड़ी ठीक करवा कर जब मैं निकली, महसूस हुआ सर पर दुपट्टा तो फटा हुआ था, पर इज्जत दिलों में बहुत थी। उसे अपने बस्ती की तस्वीर बदलनी थी। वक्त बीतता गया, दिन से महीने, महीने से साल। कुछ साल बाद अचानक अखबार में फिर कुछ पढ़ा उस बस्ती के बारे में, अब रंगीला बस्ती कहलाती है वो। उत्सुकता से जल्दी जल्दी बस्ती पहुंचने की तैयारी शुरू कर दी और फिर उस लड़के को ढूंढने लगी।
उसका ऊंचा कद, बड़ी सी मुस्कान के साथ वो मेरे सामने आया और सर झुकाकर बोला, क्यों दीदी, कैसा लगा इस रंगीला बस्ती में आके? क्या सचमुच ये वही बस्ती है? इसका तो तुमने रूप ही बदल दिया। मन मोह लेने वाली सुंदरता, पेड़ पौधे, बागीचा, साफ और स्वच्छ वातावरण, सब स्वस्थ है। कल्पना की देन आप ही की तो है जो इससे कमा लेता हूँ। अरे वाह, खाद और इतने सुंदर पौधे उगाकर इसे बेचकर तुम आमदनी भी कमा लेते हो और इससे बस्ती के नन्हे मुन्ने बच्चों को भी पढ़ा लेते हो। दोनों की आंखों से खुशियों की कुछ बूंदे गिर पड़ी। चंद शब्द भी मौल्यवान होते हैं। आज एक गंदी बस्ती मेहनत से रंगीला बस्ती कहला रही है। एक पहला कदम बढ़ा कर तो देखो, किसी की जिंदगी बदल सकती है। I must say that it was a beautiful message given by his love student through their story Rangila Slum. And मैं यानी आज पूनम आप सभी से यही request करना चाहूंगी कि आप भी अपना घर surrounding स्वच्छ और सुंदर स्वस्थ बनाने के लिए थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि हम स्वच्छ तो हम स्वस्थ। Impatient on road, patient in hospital. एक बार जो तूने हेलमेट नहीं पहना तो पुलिस तेरे बाप के भी नहीं सुनेगी। बस यही नहीं, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी, गो ग्रीन ऑन एयर मूवमेंट आप तक कुछ ऐसी बातें पहुंचाएंगे विद सम मोर टॉक्स एंड इंटरव्यू टेकन बाय स्टूडेंट्स फ्रॉम हिस्लॉप कॉलेज, द बिग पर्सनालिटी हमारे महामेट्रो के एमडी जो है डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित जी। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर, दिस इज रुशान धनवटे फ्रॉम हिस्लॉप कॉलेज। टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर ब्रिजेश दीक्षित, हु इज हियर टू टॉक अबाउट द ग्रीन साइड ऑफ महामेट्रो। He is currently heading Nagpur Mahametro Rail Corporation as MD. He has been associated with Indian Railways for more than 30 years. Welcome, sir. Sir, our first question to you is, how Mahametro will contribute towards green mobility? Metro projects themselves are green projects. Right. They promote green mobility. Further to this, both at Nagpur and Pune, the metro projects have been conceptualized and designed to use hydro solar energy, okay, rainwater harvesting, yes, 100% water recycling, okay, using green building techniques, and also using the technique of transplantation of trees, okay, rather than cutting them, right. So this way, these green projects are becoming even greener. Okay. So our next question, what areas will be connected through the metro in Nagpur, and in future will it cater to the end point connectivity between metro stations and the actual place of visit? Nagpur metro is connecting all the four corners of the city, north, south, east and west. Okay. Our one corridor, what is the north-south corridor, is starting from Automotive Chowk. Okay. And coming up to Khapri. Right. In the Mehan area. Yes, sir. And the second corridor is starting from Prajapati Nagar. And going up to Lokmanya Nagar in Hingana. Okay. In addition to this, we are integrating all other modes of transport in an effort called multimodal integration. Okay. We will also have a feeder service to provide first and last mile connectivity. Right, sir. In addition, we are promoting bicycle sharing. Okay. Pedestrianization by way of improving the footpath around the metro stations. Right. And also, we are encouraging the very novel services like provision of a two-wheeler taxi, solar, this electric vehicles. Right. And all that. This way, we will ensure that either directly
or indirectly, we cover the maximum possible area so that public transport in the city of Nagpur is strengthened and the personal transport is controlled. Therefore, to reduce the number of personal transport vehicles on the roads in the city of Nagpur. Right. So hopefully all these modules will work out. So the next question is, while constructing the Maha Metro, like you said earlier, you all transplanted trees. So was the green cover affected at all? Yeah, certainly when a project of this magnitude comes to the city, we have to follow a certain alignment because of the limitations, technical limitations you can say. Right. Because we can't take a very sharp curve. And then we also cannot have the gradients as we want. Therefore, cutting up some trees becomes unavoidable. Right, absolutely. So what we are trying to do is, we are planting much larger number of trees than what we are mandated to do. So for every tree which needs to be cut, three trees are to be planted. Mm-hmm. We are planting 10 trees in place of one tree. So that way we are multiplying the number of trees in the city. Right. Also, now lately in Nagpur and then in Pune altogether, we have stopped cutting our trees completely. Okay. And now whatever trees are coming in the way and they are unavoidable, we are transplanting them. And we have developed a very unique arboriculture-based technique of transplantation of trees, wherein survival rate has been found to be 100%. Okay. Wow. So that way, mostly, I mean, none of the trees in Nagpur must have been affected. So for us now, henceforth, we will not cut any more trees. Right. So the next question is, do you feel that in the long run, the flying metro will reduce the vehicular traffic on the road? Yeah, certainly. As I said earlier, since the public transport will be strengthened in the city of Nagpur, the people shift from their personal transport to the public transport. Right. So public transport will be used more. The modal share of public transport, which is less than 10% in the city of Nagpur, which is very, very low, right, will go to 30%. Okay. After Nagpur Metro starts its operations fully. Okay. And therefore, the number of personal transport on the roads will certainly go down. Okay. So our next question is, how many coaches will be there in one Nagpur Metro rake? The Nagpur Metro rake will have three coaches. Three coaches. Okay. Yeah. So, and हमारा जो स्मार्ट सिटी बनने का सपना है, क्या वो नागपुर मेट्रो के कारण साकार हो पाएगा? नागपुर मेट्रो will provide the smart mobility. Okay. And there are other components of smart city project. Right. Which are being implemented by Nagpur Municipal Corporation. Yes. I am sure by promoting smart mobility, Nagpur Metro project certainly will contribute towards achieving the status of a smart city. Right. By the city of Nagpur. Yes, sir. And one last question, which I'm sure all of us Nagpurians want to hear the answer to. Metro mein fair ka sapna kab tak saakar hoga? Paar logon ka metro mein fair karne ka sapna to pehle hi saakar ho chuka. Hum log April ke mahine se जॉय राइड चला रहे हैं. राइट. 16 अप्रैल 2018 को सीएमआरएस का सेफ्टी सर्टिफिकेशन 5.5 किलोमीटर की जो लेंथ है नागपुर मेट्रो प्रोजेक्ट की खापरी से एयरपोर्ट साउथ तक की, उसको मिल गया था. राइट. और उसके बाद हम लोग ऑन रिक्वेस्ट कुछ जॉय राइड की सर्विसेज चला रहे हैं. ओके. करीब 5,000 लोगों ने इसमें ऑलरेडी ट्रेवल करके अपना सपना जो है साकार किया है.
राइट, और मैं आपको और आपके द्वारा बाकी समस्त श्रोता जो सुन रहे हैं इसको उनको कहना चाहूंगा कि अगर वो ट्रेवल करना चाहते हैं तो उनकी रिक्वेस्ट हम तक पहुंचाएं। ओके, और तो हम लोग उस हिसाब से जॉय राइड के लिए जो सर्विस है उसको प्लान कर देंगे। Right. और जहाँ तक बाकी सेक्शंस के खुलने की बात है तो पूरी नागपुर मेट्रो जो 38 किलोमीटर लेंथ की है वो दिसंबर 19 तक खुली है। ओके, और उसमें से 24 किलोमीटर पोर्शन है जो कंप्लीट खापरी से सीतामढ़ी Right. और लोकमान्य नगर हिंगना से सीतामढ़ी तक का है, वो मार्च 19 तक खुलने की संभावना है। ओके, और बची हुई लेंथ जो 14 किलोमीटर की है वो दिसंबर 19। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड आई एम श्योर ऑल आवर ऑडियंस वाज वेरी थ्रिल्ड टू लिसन टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल द बेस्ट। नमस्कार। I would like to thank Dr. Dikshit ji to give their valuable time to us and share their ideas with us ki hamari Mahametro se hame kaise madad milegi and transportation mein kaise aasani hogi. Hariyali thi kal tak, kal ki baat purani. आज दिखे ना पेड़ ना पौधे, हर घर में दो गाड़ी। आज भी दिखता हमको कल क्या होगा पर ना सुधरे। स्वास्थ्य दिखता असर जो हमको, अब क्यों ना हम बदले। चलो बस में ऑफिस तक जाए, मॉर्निंग वॉक क्यों ना करे। छोड़ो मोबाइल को, पानी दो पौधों को, वे हेलमेट वाल यू राइड। हम कल को बदले, 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 हम कल को बदले। जो दुनिया है इनका ये काम। नियमों को न माने बस मचाते हैं धूमधाम। मर जाए मिट जाए हो जाए बर्बाद। रहने दो छोड़ो अब जाने दो यार, हम ना करेंगे ये काम। इफ यू लव हर प्लीज डिवोर्स स्पीड। के रास्तों का आपको पता है, सावधानी भाई क्योंकि तेरा ही घाटा है। गहरा है गड्ढा, संभल के चल दे। साइन बोर्ड जो दिखता पालन तू कर ले। ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स। ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स। जिंदगी का सवाल है। समंदर सा ट्रैफिक ये भोपू की आफत है। पीकर चलाना ब्रो खतरे की आहट है। समंदर सा ट्रैफिक ये भोपू की आफत है। पीकर चलाना ब्रो खतरे की आहट है। टू व्हीलर थ्री सीटर बहुत ना इंसाफी है यार। गाड़ी पे कर रहे कूदे भी जरा। ड्राइविंग करो ली वेन यू आर अट्रा। ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स। ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स। ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स, फॉलो।
सवाल है ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स जिंदगी का सवाल है जान पे आती है फिर भी फॉलो करके देख कस एल्स इज द रिस्क दैट यू कैन नॉट टेक दैट्स व्हाई यू फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स लाइफ सेफ एंड फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स लाइफ सेफ एंड फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स जिंदगी का सवाल है ये जो दुनिया है इनका ये काम नियमों को न माने बस मचाते हैं धूमधाम मर जाए मिट जाए हो जाए बर्बाद रहने दो छोड़ो अब जाने दो यार हम ना करेंगे ये काम हॉर्न बजा बजा कर कितना शोर मचाओगे बेवजह शोर फैलाकर नागपुर को शोर इन द सिटी का टाइटल दिलाओगे Ministry of Urban Affairs organizing an Urban Mobility India conference and as a part of this esteemed entrepreneurship development cell of Hislop College and the students from Hislop College is conducting this event very thankful to be a part of this movement me RJ Punam is requesting you to follow the traffic rules support and green urban mobility not just for human but also for animals बारिश के मौसम का क्या कहना इन रास्तों के गड्ढों ने जो मौसम का मजा किरकिरा कराया है इन गड्ढों ने एक एक को स्विमिंग पूल का एहसास कराया है हम यूं ही उस रास्ते से गुजर रहे थे कि उस राह में हम सफर बनकर वो मिले वो इस कदर हमारे सामने आए कि उस रास्ते में बेहोश पड़े हम मिले इस मुलाकात के बाद हमने ये ठाना हम इन गड्ढों को इतना भरेंगे कि सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन रास्तों में गड्ढे थे भी या नहीं हरियाली थी कल तक कल की बात पुरानी आज दिखे ना पेड़ ना पौधे हर घर में दो गाड़ी आज भी दिखता हमको कल क्या होगा पर ना सुधरे स्वास्थ्य पे दिखता असर जो हमको अब क्यों ना हम बदले चलो बस में ऑफिस तक जाए मॉर्निंग वॉक क्यों ना करे छोड़ो मोबाइल को पानी दो पौधों को वे हेलमेट वाली राइड हम कल को बदले 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 यू हॉर्न बजा बजा कर जो आपने सर में दर्द कराया है कौन सा फितूर चढ़ गया आपके दिमाग में जो रेड सिग्नल पर भी आपने हॉर्न का बटन दबाया है गली गली में है शोर पॉल्यूशन करना अब तो छोड़ इंडिया के रास्तों का आपको पता है सावधानी भाई क्योंकि तेरा ही घाटा है गहरा है गड्ढा संभल के चल दे साइन बोर्ड जो दिखता पालन तू कर ले ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स जिंदगी का सवाल है ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स फॉलो रूल्स
follow rules. Drive safe and follow rules. Follow rules, follow rules. Zindagi ka sawal hai. समंदर सा ट्रैफिक ये भोपू की आफत है. पीकर चलाना ब्रो खतरे की आहट है. समंदर सा ट्रैफिक ये भोपू की आफत है. पीकर चलाना ब्रो खतरे की आहट है. टू व्हीलर थ्री सीटर बहुत नाइन सफिया यार. गाड़ी पे कर रहे हम कूपे भी जरा. ड्राइविंग कर ओनली व्हेन यू आर अ ट्राई. ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स. फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स. ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स. फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स. ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स. फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स. जिंदगी का सवाल है. ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स. फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स. ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स. फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स. ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स. फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स. जिंदगी का सवाल है. जान पे आती है फिर भी फॉलो करके देख. 'Cause else is the risk that you cannot take. That's why you follow rules, follow rules, follow rules. Life safe and follow rules, follow rules, follow rules. Life safe and follow rules, follow rules, follow rules. Zindagi ka sawal hai. समय समय पर गाड़ी की रफ्तार धीमी करना. पुलिस ना सही कम से कम ऊपर वाले से जरूर डरना. सिर्फ सीधा देखकर कुछ ना मिलेगा. आजू बाजू भी नजर रखो. अपने साथ एक इंसान भी बचेगा. Hey babiness, you know what? I really enjoyed time with you guys and I hope you too. The RJ Punam is signing off. करती हूँ आपसे कल रात को मिलने का फिर से वादा. With more weird vibes on the radio swag.in. So babiness, with all my love, with all my love. So babiness, see you with all my love. आप सबने तो अब सुन ही लिया है, पर और भी नागपुर के बड़े पर्सनालिटीज आप सबने तो सुनी लिया है कि किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स एफर्ट्स लगा रहे हैं ये बताने के लिए, आप तक हमारा मैसेज पहुंचाने के लिए कि हमें किस तरह से एक साथ होके हमारी सिटी सुंदर बनानी है. अब और भी नागपुर के दिग्गज पर्सनालिटीज जैसे डॉक्टर प्रीति त्रिवेदी जी, हु इज एचओडी ऑफ एंशियंट हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, who has teaching experience over 20 years. Her crust is in heritage conservation and preservation. Shalini Dhyani, who works as a scientist in water technology and management. And Mr. Bhushan Kumar Upadhyay, who is a commissioner of police. नहीं पहना तो पुलिस तेरे बाप के भी नहीं सुनेगी. हरियाली थी कल तक, कल की बात पुरानी. आज दिखे ना पेड़ ना पौधे, हर घर में दो गाड़ी. आज भी दिखता हमको कल क्या होगा पर ना सुधरे. स्वास्थ्य पे दिखता असर जो हमको, अब क्यों ना हम बदले. चलो बस में ऑफिस तक जाए, मॉर्निंग वॉक क्यों ना करे. छोड़ो मोबाइल को, पानी दो पौधों को, वह हेलमेट वाली राइड. हम कल को बदले, 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 हम कल को बदले.
दुनिया है इनका ये काम। नियमों को न माने बस मचाते हैं धूमधाम। मर जाए मिट जाए हो जाए बर्बाद, रहने दो छोड़ो अब जाने दो यार, हम ना करेंगे ये काम। इफ यू लव हर प्लीज डिवोर्स स्पीड। गुड मॉर्निंग, दिस इज श्रेया नायर फ्रॉम हिसलप कॉलेज एंड वी हैव विद अस टुडे डॉक्टर प्रीति त्रिवेदी मैम, HOD एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी। She has a teaching experience of over 20 years and she has numbers of articles and papers published on various national and international platforms. Her crust is in heritage preservation and conservation. Welcome, ma'am. Ma'am, my first question to you is, can we create green heritage corridors in Nagpur? How can we manage to maintain them along with the heavy vehicular traffic? Thank you. The geographical location of Nagpur, with its abundance of natural resources in the form of rich flora and fauna, proximity to forest, etc., make it not only possible but also desirable to create green heritage corridors in Nagpur. Green heritage not only refers to natural heritage but also cultural heritage, because it is the basic tendency of culture to grow in and around the natural environment. These attributes help in landscape planning and design, and Nagpur is amply provided with these in the form of hills, forests and lakes situated within the heart of the city. Certain conservation and protection measures may help in providing more stability to the existing green areas. Sadly, the development comes with widening of roads to manage heavy vehicular traffic. However, this may be considered from a simple point of view that it doesn't take much to save trees. Creating medians and carriageways in between long rows of age-old shady trees can definitely help in conserving green heritage in Nagpur. The water bodies of Nagpur may also be included in green heritage planning. They harbor immense life forms and are botanical hotspots. The conservation of local water bodies is also critical to the natural environment of Nagpur. For this, the importance of each water body, like the Futala, Ambajari and other lakes, along with its history, needs to be extensively publicized. So rightly said, ma'am. And ma'am, my second question to you is, with the rapid urban development within and around Nagpur city, what possible roles can the public play to promote the development and sustenance of green heritage in Nagpur? Being from the teaching profession, I believe a lot in the power of youth. And yes, the public, I would like to speak a few words on that. The public, which is mostly underinformed, largely remains uninvolved in the issue of conserving green heritage. This is true not only for Nagpur, but for most of the cities of India. Like almost all the cities of India, Nagpur also has beautiful shaded green avenues with local trees like mango, neem, arjun, etc. planted along the roadside during the British times. Rapid urban development has rendered these age-old trees as the most vulnerable in urban expansion. I would like to take a moment here to refer to the ancient knowledge of the Indians regarding environment, trees and ecology in the context of town planning. The phenomena of the consciousness in plants was well known to Indians and is mentioned also in the Brihat Sanhita of Varahamihir and Agni Puran and the Jataka tales also. In fact, they say that Buddha was reborn 33 times as in the form of trees. The belief in Vriksha Devatas or presiding deities in trees goes back to the earliest historical periods in India. Considering these traditional values, awareness can help immensely in sensitizing the local public. The best way to do this is to attach value to old trees by way of documentation. Like in any other society, the youth can really make a difference in the outlook of the people regarding environment, traffic and pollution.
This should form groups and prepare an inventory. They should form groups and prepare an inventory of the old trees still existing in Nagpur, especially the ones which are more than 50 years old. Identification plates can be placed near these trees, providing their basic botanical information. It would be worthwhile to mention their place in the Ayurveda also. India moves on traditional sentiments, and Nagpur is also a part of it. So this activity taken up by the youth can greatly help in maintaining and creating green heritage corridors in Nagpur. I'm sure of it. Hopefully, ma'am, people will look forward and do their bit in preserving and conserving the green heritage corridors in Nagpur. Thank you, ma'am. Horn baja baja kar kitna shor machaoge? Bewaja shor phela kar Nagpur ko shor in the city ka title dilaoge? Hum yun hi us raaste se guzar rahe the ki us raha mein hum safar bankar wo mile. Wo is kadar hamare samne aaye ki us raaste mein behosh pade hum mile. इस मुलाकात के बाद हमने ये ठाना, हम इन गड्ढों को इतना भरेंगे कि सब कंफ्यूज हो जाएंगे कि इन रास्तों में गड्ढे थे भी या नहीं। रेडियो प्ले अनंत से आगे, स्क्रिप्ट बाय सागर कारिया, अर्शा जासमिन, अंजलि थंडेल, डायरेक्शन एंड एक्टिंग बाय सागर कारिया, स्टूडेंट्स ऑफ हिस्लॉप कॉलेज। एक रात की बात है जब मैं टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते सो गया। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली और मैं अपनी आंखें निचोड़ते निचोड़ते रोज़ की तरह बाहर टहलने निकला। यूं तो रोज जब निकलता था तो रास्ते की यातायात का शोर, कूड़े में जलता प्लास्टिक और उससे होता प्रदूषण मेरी सुबह को अप्रसन्न बना देता था, पर उस दिन मेरे आँखों के सामने चित्र कुछ अलग ही था। चारों तरफ हरियाली दिख रही थी, बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी तंदुरुस्त दिख रहे थे, प्लास्टिक का नामो निशान तक नहीं था। मैं यह सब देखकर दंग रह चुका था। इतने में एक अखबार वाला मेरे पास आया। मैंने दिनांक में 23 अक्टूबर 2068 देखा। मैं सोचने लगा कि मैं 50 साल भविष्य में कैसे आया, हो क्या रहा है मेरे साथ। यह सोचते सोचते चल रहा था और एक सिग्नल के पास आ रुका। वहां का चित्र सच्ची अचंभित करने वाला था। पेट्रोल की गाड़ियां ना के बराबर थी, CNG और AI टेक्नोलॉजी से गाड़ियां चल रही थी। ज्यादा से ज्यादा लोग साइकिल का इस्तेमाल करते दिखाई दे रहे थे। दफ्तर जाने के लिए मेट्रो का उपयोग हो रहा था। मुझे करीब आधा घंटा हो चुका था वहां पर रुके और एक भी अपघात होते नजर नहीं आया, जबकि अनुमान भारत में 5 मिनट में अपघात देखने मिलते हैं। ट्रैफिक नियमों का पालन हो रहा था, सुरक्षितता पे खास ध्यान था, हॉर्न की कर्कश आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। इन सबके वजह से ध्वनि और वायु प्रदूषण काफी हद तक घट चुका था। वहां से ध्यान हटाकर चारों तरफ देखा तो आंखें प्रसन्न हो गई। वृक्षों की संख्या काफी बढ़ चुकी थी, पंछियों का समूह का किल बिल सुनाई दे रहा था, जानवरों को उछलता देख मन भी उछल रहा था। पानी के स्रोत बड़े हुए थे, मानव निर्मित तालाब दिख रहे थे और अच्छी बात यह थी कि सभी तालाब साफ थे, कूड़े को सही ढंग से ठिकाने लगाया जा रहा था। सार्वजनिक जगह पर CCTV के होने की वजह से लोग खुद को महफूज महसूस कर रहे थे। सच्ची दृश्य विकसनशील भारत का ना होते हुए विकसित भारत का दिख रहा था। इन 50 सालों में और क्या बदला है ये देखने की चाह में आगे बढ़ ही रहा था कि माताजी ने मेरे ऊपर पानी डाल दिया और एक अद्भुत भविष्य का चित्र मेरी आंखों से ओझल हो गया। सपना टूट गया, पर एक बात समझ आई, अगर आज हमारी गलतियां सुधारेंगे तो कल का वो दृश्य दिखने मिलेगा, अन्यथा दृश्य विरुद्ध भी हो सकता है। बारिश के मौसम का क्या कहना, इन रास्तों के गड्ढों ने जो मौसम का मजा किरकिरा कराया है, इन गड्ढों ने एक एक को स्विमिंग पूल का एहसास कराया है। यू हॉर्न बजा बजा कर जो आपने सर में दर्द कराया है, कौन सा फितूर चढ़ गया आपके दिमाग में जो रेड सिग्नल पर भी आपने हॉर्न का बटन दबाया है। Professor at Manorama Bai Munde College of Architecture. She is a town planning expert and leading architect. She is a PhD from VNIT and her work has been published on various prestigious platforms. We welcome you, ma'am. Ma'am is going to be talking about green heritage corridors. Our first question is, can we structure a heritage pathway in Nagpur
keeping in mind the heritage sites in the city. Your ideas, please. Heritage means what we have inherited from our past. It's the most important aspect of our existence. Heritage comprises of three components. First, the tangible or man-made heritage, which includes historical sites, buildings, monuments, objects in museums, artifacts, etc. Second, the natural heritage, which includes waterways, lakes, landscapes, woodlands, wildlife, plants, trees, birds, insects, animals, etc. And third aspect is the intangible aspect of heritage, our culture, customs, sports, music, dance, craft, skills, and traditional knowledge base. In whichever field you work or whichever profession you follow, it is important to know what we are, where we belong to, and what are our values, priorities, to be able to contribute to the future in a much more responsible manner. We often go to the places outside our own city or to the outside countries and indulge into heritage sites there, but very rarely we care and try to find out about our own city and its ample, magnificent heritage which is there in our backyards. In case of Nagpur, we have built heritage in the form of traditional houses called wadas, temples, in old city part Mahal. There are magnificent colonial buildings in civil lines area. We also have lots of natural heritage in the form of lakes, gardens, forests, such as Ambazari, Telankhedi Lake, Seminary Hills, Maharaj Bagh Zoo, where there are old and big, very rare native trees. Chitaroli, Kumbharoli, Satranjipura are the areas with cultural heritage where traditional art forms, crafts are still practiced. We can certainly identify such different heritage sites with certain commonalities and structure them into heritage corridors or walks. When interested, responsible citizens can be taken around with experts who can narrate the history, logical evolution, and current relevance of all these important historical sites. It can lead to introspections and many revelations. So, let's respect, integrate, and expose and aware of the heritage of our own city by identifying interesting heritage corridors in the city of Nagpur and organize such walks. Thank you, ma'am. Are any such corridors there in other places in the country? Heritage corridors, do we have heritage corridors in other places in the country? Yes, certainly. In places like Kerala, Kochi, or other important cities in Kerala, Gujarat, Rajasthan, they have such heritage corridors identified and their people are taken around to make them aware of the importance of such heritage. Okay, it will be really nice if we can start it in Nagpur too. Thank you. Our next question, can smart cities and heritage corridors go hand in hand? As I said earlier, heritage is the fundamental aspect of our existence. Without respecting our roots or our ancestors, it is difficult to prosper. Hence, come may what, heritage is and will be important for our existence. Smart cities mean use of informatics to make our cities more sustainable, livable, and economically developed. To become smart cities, it is important to be futuristic and embrace recent technologies to make cities better, but it doesn't mean at all to disrespect our roots or heritage. Of course, heritage corridors and smart cities can go hand in hand. Rather, respecting heritage, all natural resources, local crafts, arts, cultural peculiarities is important aspect of sustainable development of any city. And sustainability is of course an important element in smart cities. Hence, smart cities and heritage corridors can go hand in hand. We, Nagpurians, can set up a good precedence for other developing cities in country by integrating heritage corridors appropriately in the process of development of Nagpur as a smart city. Thank you, ma'am.
गली गली में है शोर, पॉल्यूशन करना अब तो छोड़। समय समय पर गाड़ी की रफ्तार धीमी करना, पुलिस ना सही कम से कम ऊपर वाले से जरूर डरना। रेडियो प्ले यू टर्न, स्क्रिप्ट बाय सौरभ गुप्ता, जाह्नवी जिचकार, गायत्री राजवैद्य, डायरेक्टेड बाय सौरभ गुप्ता, जाह्नवी जिचकार, एक्टर्स सौरभ गुप्ता, जाह्नवी जिचकार, गायत्री राजवैद्य एंड सागर कारिया, स्टूडेंट्स ऑफ हिस्लप कॉलेज। हेलो अमन। हेलो, कहाँ है, जल्दी आना। हाँ बस निकल रहा हूँ, थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा। अमन नाश्ता तो कर ले बेटा। रहने दो मम्मी, बहुत लेट हो रहा है, कैंटीन से कुछ खा लूँगा। ठीक है, पर हेलमेट तो लेकर जा। ठीक है दे दो। मम्मी मुझसे बोली तू हेलमेट लेते जा, इतनी जल्दी क्या है, आराम से गाड़ी चला, रास्ते में तू सारे नियमों का पालन किए जा, जा जा। भाग भाग बेटा भाग बेटा भाग बेटा भाग 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 बेटा भाग बेटा भाग 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 बेटा भाग बेटा भाग बेटा भाग 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 बेटा भाग बेटा भाग। अरे इतने जल्दी कैसे, अभी तो कॉल किया था। सुन, हम ट्रैफिक के लिए नहीं, ट्रैफिक हमारे लिए रुकता है, समझा। चल अब जल्दी आ गया है तो क्लास भी कर लेते हैं। क्लास क्लास तो होती रहती है, चल कैंटीन चलते हैं। अमन उठ जा बेटा। हाँ मम्मी थोड़ी देर और। टाइम तो देख। अरे यार आज तो बहुत लेट हो गया। अमन नाश्ता तैयार है, करके जाना। रहने दो ना, कैंटीन से कुछ खा लूंगा। तेरा ना रोज रोज का ही हो गया है, कल से तेरे लिए नाश्ता ही नहीं बनाऊंगी। ठीक है ठीक है। अब हेलमेट तो लेके जा, रोज रोज क्या तेरे हाथ में लाके दूं? एक काम करो तुम ही पहन लो, एक दिन नहीं पहनूंगा तो कुछ हो नहीं जाएगा। हेलो 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 अमन अमन। हेलो, मैं डॉक्टर गायत्री सिटी हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, क्या आप अमन शर्मा को पहचानते हो? हाँ मैं अमन की माँ बोल रही हूँ। मिसेस शर्मा, आपके बेटे अमन का एक्सीडेंट हुआ है, आप जल्दी से सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। डॉक्टर, मेरा बेटा अमन कैसा है, वो ठीक तो हो जाएगा ना? अमन के सिर पर चोट लगने की वजह से उसकी लोअर बॉडी पैरालाइज हो गई है। आंटी, अमन कहाँ है? बेटा, उसको इमरजेंसी वार्ड में रखा है। अमन, ये क्या हो गया यार? तूने फोन जब किया, मैं रुक तभी जाता, ना स्पीड में बढ़ा था, ना ये हादसा होता। मेरी इस गलती से मेरा ये हाल हुआ, कभी भूलूंगा ना घटना, कोई और ना ये करना। सिर्फ सीधा देखकर कुछ ना मिलेगा, आजू बाजू भी नजर रखो, अपने साथ एक इंसान भी बचेगा। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। इंडिया के रास्तों का आपको पता, सावधानी भाई क्योंकि तेरा ही घाटा है, गहरा है गड्ढा, संभल के चल दे, साइन बोर्ड जो दिखता पालन तू कर ले, ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स, ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स, ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स, जिंदगी का सवाल है, safe and follow rules, follow rules, follow rules, drive safe and follow rules, follow rules, follow rules,
drive safe and follow rules, follow rules, follow rules. Zindagi ka sawal hai. समंदर सा ट्रैफिक ये भोपू की आफत है, पीकर चलाना ब्रो खतरे की आहट है. समंदर सा ट्रैफिक ये भोपू की आफत है, पीकर चलाना ब्रो खतरे की आहट है. टू व्हीलर थ्री सीटर बहुत ना इंसाफ है यार. गाड़ी पे कर रहे हम कूदे भी जरा, ड्राइविंग करो ओनली व्हेन यू आर अ ट्रक. ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स. ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स. ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स. जिंदगी का सवाल है. ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स. ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स. ड्राइव सेफ एंड फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स, फॉलो रूल्स. जिंदगी का सवाल है. जान पे आती है फिर भी फॉलो करके देख. Cause else is the risk that you cannot take. That's why you follow rules, follow rules, follow rules. Drive safe and follow rules, follow rules, follow rules. Drive safe and follow rules, follow rules, follow rules. Zindagi ka sawal hai. Good morning, this is Shreya Nair from Hislop College and we have with us today Dr. Shalini Dhyani, who works as a scientist in Water Technology and Management Division of CSIR NEEL. Good morning, ma'am. We are going to talk to her about how to make Nagpur a greener city. Ma'am, so my first question to you is, what plans can we have especially for students to contribute for a greener Nagpur? Thank you, Shreya. Thank you for having me in this campaign and Green and Happy Hour. I think that's the most important topic presently to discuss, and not only to discuss, but also to implement in our daily, day-to-day lives. We all know that Nagpur is now being selected and is being developed as a smart city. The role of youth and students as generation next becomes very, very crucial as they are getting involved. They are getting aware right from the beginning and how they can bring this change happen and make the city more green in the future. So most important what you asked is involving more green hands in our activities. I think if we can involve the green activities in curriculum right for the implementation, that can really help us. They should not only be sensitized for plantation, but they should also be aware and make them understand the importance of urban agriculture that is slowly beginning, and it is also getting high paced in future. Then what green terrace gardens can help, then home gardens, kitchen gardens, biodiversity around them, and the most important thing that we don't want to miss is waste segregation that needs to be started from their home, and they need to understand them from the very beginning, in the very early stages, so that the waste that we are dumping out on our streets and our landfill site doesn't accumulate. And more important thing is public transport. If they understand the importance of public transport, carpooling, cycling from the very beginning, maybe they can help to reduce air pollution around us. They can help to reduce other after effects because of air pollution. And most importantly, because we are also facing a lot of emerging disasters in the city, a lot of flash floods are happening every year. So if they can understand what nature-based solutions are and how they can help to be part of reducing these risks in future, I think that needs to be very much integrated in the green curriculum and green activities for future youth and current students. Of course, ma'am. All the points you mentioned are way, like, people should tend to
use in their daily lives. My second question to you is, how can the general public help towards maintaining green covers? I think Shreya, this is a very important question as well. But if I see Nagpur as a city and people, local citizens, I think they are one of the most aware and conscious citizens in the country that we are having. They are aware that they want to be having their city more green and their water body is more clean. So that's why you can see these campaigns and efforts during Ganpati Visarjan or Navratri Durga Visarjan and all. But I think if they can consider more on how can they reduce their grey water and waste water by using their own activities, and these grey water and waste water, if they can utilize them for irrigation purposes in their urban gardens or their terrace gardens, grow more of green cover, I think that can be a very good attempt to reduce the potable water usage in the city. Apart from that, we see there is a lot of conventional plantation happening every year and world records are made and broken. But at the same time, if they can understand that conventional plantation cannot be done everywhere, so they understand the importance of vertical gardens, green terrace gardens, so that these urban heat islands can be reduced, that you very often see around Sitamarhi or Gandhi Bagh or Mahal and all these areas. I think we need to introduce more new approaches in the lives of local people, and with the right kind of technological transfer and interest of locals in scientific interventions, they can achieve this. And I think they need to have a lot of sense of belongingness to the city, so that they can conserve whatever is remaining in the city as islands of biodiversity, be it in the campuses or in the gardens or parks and any other places. So that kind of belongingness needs to be inculcated among locals, and that is already there. They need to little bit push themselves little more to the effort. More practice. And ma'am, your suggestions on Go Green initiatives that can be undertaken by the students? I think Shreya's CSIR NIRI is having a lot of efforts in keeping these things alive across the country, not only just limited to ourselves to Nagpur. We have been trying hard to reach to a lot of more youth, more students, more youngsters, more elderly people, corporates, by our activities and awareness campaigns to reach them and teach them how we can involve more green activities in our day-to-day life. So the drivers of awareness is not only to keep the city green, but also to understand the importance of blue spaces. So my suggestion would be, first of all, to put more understanding on the waste that you are generating every day. Can we reduce our footprint? Can we reduce our ecological footprint and carbon footprint? Second thing is, the waste that we are generating is actually increasing the height of our landfill site at Bhandewadi. So have that in mind in whatever waste you are throwing out of your houses. So these are two or three more of our points. Then obviously, green cover enhancement is very much important. Government is concerned, forest department is concerned, social forestry organizations are concerned. But the important thing is post-plantation care. Whatever we are planting during monsoon, are we taking care during winter? So if we are planting 1 crore trees and the survival percentage is not even 50 lakhs, so we are at somewhere miss. So my Go Green initiative is, whatever you are doing, whatever you are planting, let not your money go waste. Protect it, conserve it. If you cannot plant next year, make sure that your this year plantation is there for next year also. So I think that will be few of my ideas. And then obviously carpooling, metro is now coming in Nagpur, then buses are already there. But people are still preferring cars, maybe because of a lot of heat, that is because of the geographical situation of Nagpur. So carpooling, cycling, at least try to reduce your traveling with cars. 2 days of using bicycle can really help the environment in Nagpur. Nagpur is still not in the final stage of development. We are still standing. So whatever good green suggestions are there, if they can be implemented right now, maybe they can help us in next a decade or more, and can help us be more green and get the status of the second greenest or first greenest city of the country, the one that we had already. So these are a few of the suggestions I think that can be very well taken and implemented as well. Thank you so much, ma'am. Thank you for preaching us and telling us the
telling us the awareness and enlightening us on the topic of green and happy earth. Thank you, Shreya. सिर्फ सीधा देखकर कुछ न मिलेगा, आजू बाजू भी नजर रखो, अपने साथ एक इंसान भी बचेगा। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है सस्ती। हरियाली थी कल तक, कल की बात पुरानी, आज दिखे ना पेड़ ना पौधे, हर घर में दो गाड़ी। आज भी दिखता हमको कल क्या होगा पर ना सुधरे, स्वास्थ्य दिखता असर जो हमको अब क्यों ना हम बदले। चलो बस में ऑफिस तक जाए, मॉर्निंग वॉक क्यों ना करे, छोड़ो मोबाइल को पानी दो, पौधों को वह हेलमेट वाली राइड। हम कल को बदले। After a whiskey, driving is risky. एम्बुलेंस को जाने की देकर जगह, आइए हम मिलकर बने किसी के जीने की वजह। Good morning, this is Shreya Nair from Hislop College and today we have with us Commissioner of Police Bhushan Kumar Upadhyay. He is an Indian Police Service Officer of the rank Additional Director General. He'll be talking with us on the topic of Green and Happy Earth. It is a concept in which few streets of Nagpur city will be closed for vehicles to surpass for a certain period of time, and that area will be available for various public activities of public interest. So my first question is, can we promote happy hours on some selected streets in Nagpur which will reduce usage of vehicles? Yes, it is possible to promote some of the roads as pointed out by you, because Nagpur has got very good network of roads, and Ramgiri Road is already being used for it, because in the early morning from 6 to 8 and in evening for 2 hours, this road is closed for vehicle and it is used for walkers and those who go for exercise. Therefore, in other parts of also Nagpur, when all the roads are completed, because at present metro work is going on, lots of cement roads are under construction. Therefore, when this process of construction is over, we can promote minimum 4 to 5 such routes for happy road hours, or they may be closed for vehicle for a particular period of time. Okay, so according to you, this will reduce noise and air pollution, will it? Of course, it will reduce noise pollution, but at the same time, it will give a space to persons to exercise, enjoy and have fun and all these things. And it will be good, because these days it is very difficult to find open spaces. Therefore, it will be a good time for people to go and enjoy and have the beauty of nature and all these things. Surely, sir. Sir, and my second question is, what strategies, according to you, people of Nagpur should adopt to manage road traffic? See, main thing is that, traffic rules are very easy rules, because everybody knows it. And there is no need to teach anybody. It is just a matter of attitude. Suppose that when you are crossing a signal, you are supposed to stop and wait if right is red. It is not a big thing, it is not rocket science. Yes. Again, if you are driving, you have to drive, you have not used mobile phone, you have to use seat belt, you have to use helmet, you have to overtake any vehicle from right side. Therefore, all these things are known to everybody, but people just don't obey it, and because of this, lots of congestion takes place, lots of accidents take place. In our country, more than 70% accidents take place only because of the fault of human beings, because they don't follow the rule. They are in haste, and even if they are not in haste, they just do not know the importance of following the traffic rules. Because once they meet with accident and somebody loses his life, then we just grieve and lament. But now nobody can do anything. Therefore, the best way and the best strategy to
manage the roads, manage our life is to follow the traffic rules. Exactly, sir. Sir, and मुझे आपसे ये पूछना है कि odd and even vehicle का जो model है, उस पे आपकी क्या राय है? देखिए, मेरे हिसाब से नागपुर में उसकी जरूरत नहीं है, because the number of vehicles in Nagpur is not much, and we have got very broad and very wide roads in Nagpur. Therefore, that congestion level is not here. Like Mumbai, Delhi, and Pune, these three cities are highly congested. And there, I think in Delhi also they had tried it, but I don't think it has succeeded like anything. But in Nagpur, we not need it at present. We have got good roads, very wide roads, clean roads, and because of the new touch-up of the roads, cement roads, Nagpur will become one of the best cities in the country. Hopefully, sir. Yes. So that's it. Thank you so much. Thank you for your time. Historical bikes. Limited load is applied on the basis of how many coaches one metro rake is made up of. The shortest metro rake in India has 3 coaches. Such a metro is operated in Kochi. Whereas the longest metro rake is 8 coaches, which is operated in Kolkata and Delhi. The odd-even rule was first implemented in the world in Paris during 1977. The top 5 green cities in the world are Netherlands, Denmark, California, England, and Sweden. As per July 2018 survey of world, there are 1092 World Heritage Sites, out of which India possesses 37. आप सुन रहे हैं मुझे यानी आपकी नई दोस्त आज पूनम के साथ that how much environment is getting polluted by humans itself and जो मेहनत हमारे हिसलप कॉलेज के स्टूडेंट्स एंड कमिटी ले रहे हैं रिस्पॉन्सिबल होके हमें ये बता रहे हैं कि सच में कितना पोल्यूशन हो रहा है और हमें किस तरह से अपनी सिटी को स्वस्थ स्वच्छ और हरा बनाना है सो सच में काबिले तारीफ है हमें पब्लिक सेफ्टी ट्रैफिक कंजेशन और पोल्यूशन रिलेटेड हेल्थ रिलेटेड सारी चीजें हमें इस इवेंट के थ्रू हमें पता चल रही है तो मैं भी कहना चाहूंगी बीइंग एन स्टूडेंट ऑफ हिसलप दैट लेट्स गिव अ बिग क्लैप्स टू ऑल द एनर्जेटिक यूथ एंड स्पिरिट ऑफ हिसलपियंस से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई आज से मेरा घर तेरा हो गया आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई आज से मेरा घर तेरा हो गया आज से मेरी सारी खुशियां तेरी हो गई आज से तेरा गम मेरा हो गया ओ तेरे कांधे का जो तिल है ओ तेरे सीने में जो दिल है ओ तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया ओ मेरे ख्वाबों का अंबर ओ मेरी खुशियों का समंदर ओ मेरे पिन कोड का नंबर आज से तेरा हो गया
जश्न को मैं दिल से लगा के झूमूंगा। मेरी छोटी सी भूलों को तू नदिया में बहा देना, तेरे जूड़े के फूलों को मैं अपनी शर्ट में पहनूंगा। बस मेरे लिए तू मालपुए कभी कभी बना देना। आज से मेरी सारी रतियां तेरी हो गई, आज से तेरा दिन मेरा हो गया। वो तेरे कांधे का जो दिल है, वो तेरे सीने में जो दिल है, वो तेरी बिजली का जो बिल है, आज से मेरा हो गया। वो मेरे ख्वाबों का अंबर।
अब आते हैं फेरी स्टोरी सेशन में. On Weird Why with me, RJ Punam. And I don't believe that her story fairy honi chahiye ya her story mein love story honi chahiye. So, there is just a girl jo ek ladke se beintaha pyar karti hai. Bas apne pyar ka izhar karna zaruri nahi samajhti. To, aisa hota hai pyar dosto jo kisi ke izhar aur inkar ka mohtaj nahi hota. Isi ke saath sunte hain agle gaane yara. 9 to 12. Ek baar ya bhi jaya ra, ek baar ya raah taku main bechara, ek baar ya. एक वारिया भी जाया रा, एक वारिया रात को मैं बेचारा, एक वारिया ढल रही शाम है, दिल तेरे नाम है, इसकी आदत बनी है तेरी यारियां. चांद हूँ मैं तू है तारा, एक वारिया, एक वारिया भी जाया रा, एक वारिया. पल चैन ना आवे,
सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। ये दिन है प्यार ही रिये जो साथ हम चैन ना आवे सानू एक पल चैन ना आवे सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। तेरा ख्याल अपना बना के मैं तेरे ले या, तेरे ले या, यारा ना पावी कद दूरियां तेनू लखा तो छुपा के रखा अखा ते सजा के तू है मेरी वफा रख अपना बना के मैं तेरे ले या, तेरे ले या, यारा ना पावी कद दूरियां मैं जीना हाँ
है मेरा दस लेना की नखरा दिखा के दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके अक नाल अक आज पूनम के साथ ओनली ऑन रेडियो स्वाग डॉट इन द वियर्ड वाइब शो। आप किसी से अगर कुछ कहना चाहते हैं तो मेरे साथ कहिए दिल से प्यार से फोन से और मैं पहुंचाऊंगी आपकी बात उस तक जिसे आप चाहे। क्या पता कहीं उनको भी आपसे प्यार हो जाए। आप अपने मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं हमारे रेडियो स्वाग ऑफिशियल फेसबुक या इंस्टाग्राम अकाउंट पे। अभी आएगा एक वियर्ड फेलस लेके अपने लव का लारा लप्पा। ए पप्पा सुन ले मेरे लव का लारा लप्पा, मेरा नाम है मिस्टर चिकचिका। ए बाबा कई गाना सुना था मैंने, प्यार में कभी कभी ऐसा हो जाता है। गो बाय, कैसा हो जाता है प्यार में, सर्दी खांसी या जुलाब? गाइस डोंट बी सो सेंटी, सुनिए गाने 13 to 19। सुन जालमा मेरे सानू कोई डर ना, की समझेगा ज़माना। वो तू भी सिकमली मैं भी सकमला, इश्क दा रोग सयाना। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर? तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर, रहूंगा बस वहीं उम्र भर। है जितनी हंसी है मुलाकातें हैं उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, पर
तुझे इतनी सी भी खबर तो यूं खड़ा किस सोच में पड़ा था कैसे जी रहा था मैं दीवाना छुप के सरा के तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना ओ मुस्कुराना भी तुझसे सीखा है दिल लगाने का तू ही तरीका है बार भी तुझी से होता है ना ना होश में मैं कभी बाहों में है तेरी जिंदगी है नहीं था पता के तुझे मान लूंगा खुदा कि तेरी गलियों में इस कदर सुन मेरे हम सफर क्या तुझे इतनी सी भी खबर कि तेरी सांसें चलती जिधर रहूंगा बस वही उम्र भर रहूंगा बस वही उम्र भर है तुम मेरे हो इस पल मेरे हो कल शायद ये आलम न रहे कुछ ऐसा हो तुम न रहो कुछ ऐसा हो हम न रहे ये रास्ते अलग हो जाए चलते चलते हम खो जाए मैं फिर भी तुमको चाहूंगा 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 इस चाहत में मर जाऊंगा मैं फिर भी तुमको चाहूंगा जैसे हवाएं सांसों को ऐसे तलाशूं मैं तुमको जैसे कि पैर जमीनों को हंसना या रोना हो मुझे पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें कल मुझसे कोई इजाजत हो ना हो
नशा या है जहर इस प्यार को हम क्या नाम दें इस प्यार को हम क्या नाम दें है ये नशा या है जहर इस प्यार को हम क्या नाम दें कब से अधूरी है एक दास्तां जाओ से आज अंजाम दे तुम्हें भूलूं कैसे मैं मेरी पहली खता तुम हो मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो जाने तू मेरे राधे ले जाऊंगा सांसें चुरा के सांसें चुरा के क्या जाने तू मेरे राधे ले जाऊंगा सांसें चुरा के तू कह रहा है गुनहगार बन जा बड़ा चैन है गुनाहों से आगे मैं गुमशुदा सी रात हूँ मेरी खुशनुमा सुबह तुम हो मैं जो जी रहा हूँ वजह तुम हो जी रहा हूँ वजह तुम हो वजह तुम हो पता ओ
है जो तू वो यादें जाने संग मेरे कब तक चले इन्हीं से तो मेरी सुबह भी ढले शाम ढले मौसम ढले ख्यालों का शहर
सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे सनम रे सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे ओ फेलर्स की बात पर ध्यान न दे तब तक अगले गाने सुनते रहिए सॉन्ग्स 20 to 22 बनाती है तेरे नाम की कोई
You know what? I really enjoyed time with you and I hope you too. Me, RJ Punam, signing off. Karti hu aapse kal raat ko milne ka vaada at 9 to 11 with more weird vibes only on radioswag.in. Suno to kuch hatke. So, babiness, see you with all my love.